ऑटो, ई रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक आणि इतर वाहनांच्या फिटनेसच्या उशिरा पासिंगसाठी प्रतिदिन 50 रुपये दंड भरण्याचा नवीन कायदा आहे. त्यामुळे टॅक्सी, ऑटो, ई रिक्षा चालवणाऱ्या गरीब वाहन चालकांकडनं 1000 रुपयांचा दंड वसूल केला जात असून ऑटो, ई रिक्षा, ट्रक चालक, मालक व इतरांना मोठा दंड ठोठावला जात आहे. त्यामुळे गरीब वाहन चालकांना अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. ऑटो, बोलेरो, पिकअप यासारख्या लोडिंग वाहनांमधील अंडरलोड केलेला माल म्हणजे 3 चाकी, ऑटो, बेलरो, पिकअप, लांब सामान, त्यांच्या लांबीमध्ये कधी कधी फर्निचर, दरवाजे इत्यादींचा समावेश होतो जे वाहनाच्या बाहेर फेकले जातात. यावर 50 रुपये दंड आकारला जातो. ही रक्कम थोडी कमी करावी आणि अवैध वसुलीही थांबवावी याकरिता नागपूर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सह आयुक्त किरण बिटकर यांना निवेदन देण्यात आलं. गरीब वाहन चालकांवर आधीच गाडीचा किराया, भरभाडे, मुलांचं शिक्षण यासारख्या मोठ्या जबाबदाऱ्या असताना इतकं 1000 रुपयांचं चालन कसं भरायचं असा प्रश्न आता वाहन चालकांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांपुढे उपस्थित केला आहे. वाले हमारी गाड़ी आज से 1.5 महीना पहले पासिंग पे लगी थी, तो हमने इंश्योरेंस, पीयूसी, टैक्स तीनों भर दिए थे. उसके बाद गाड़ी पासिंग पे लगी थी, तो पासिंग पे लगने के बाद साहब ने बोले कि इसका गवर्नर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लेके आओ. तो वो सर्टिफिकेट हमने बनाए हैं. सर्टिफिकेट बनने के बाद जब इनका सिस्टम आ रहा है तो सिस्टम में बता रहा है क्या, जो पेनल्टी जब से तुम्हारी गाड़ी पासिंग नहीं हुई है तब से तुम्हारे को पेनल्टी बैठेंगे. आज हमारी कंडीशन शोरूम गाड़ी लेने की नहीं थी, हमने जैसे तैसे लोगों से पैसे लेके उधार बाड़ी करके गाड़ी खरीदे. अब गाड़ी खरीदे उसमें ये पता चला कि गाड़ी 8 साल से लैप्स थी. 8 साल का जो हिसाब हो रहा है उसका 18,000 के हिसाब से 18 × 8 करेंगे तो 1,44,000 रुपये उसका रकम बैठी. आज 1,44,000 अगर हम भरेंगे, 2.5 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख रुपये बैठ गया. आज जो लोगों से हमने पैसा लिए उधार, लोगों के फोन आ रहे भी हमने 1-2 महीने के लिए जिससे लिए थे, आज गाड़ी ओके करने के बाद अगर चलेंगी तो पैसा देंगे ना. आज गाड़ी खड़ी है, हमारे बच्चे जो है स्कूल के जो गाड़ी पे बैठे थे वो उतर जा रहे हैं. आज हम बच्चे, एक एक बच्चा पकड़ने के लिए इतनी मेहनत लगती है. तो ये हम तो साहब से ही निवेदन कर, वसीम भाई के माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे कि वसीम भाई ने जो बात की है साहब से, साहब इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इसे रोके और जो लोगों के हक में है वो फैसला करे. वर्धा रोड से जा रहा था, वर्धा के बाईपास में मुझे रोकने में आया और मुझे 20,000 रुपये का 32,000 रुपये चालान लगेगी. बोले बोला सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये इतना पैसा नहीं भर सकता. तो बोले आप 20,000 आपको, बोले आप रुके इसीलिए, बोले आपको 20,000 रुपये की चालान दे रहा हूँ मैं. ये अभी के अभी अगर तुम आप भरते हो तो 20,000 नहीं तो फिर आपको अगर पुलिस स्टेशन में अगर जाओगे तो और उनका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा और वहाँ पे ज़्यादा चालान पड़ेगी. तो मुझे ऑनलाइन वहाँ पे चालान भरना पड़ा सर. और इतने चालान हम गरीब आदमी कैसा भर सकेंगे. आरटीओ की वजह से हमारे पे समस्या है कि आज ये जो हमारे पे चालान बढ़ रहा है, आज ये बे मतलब काम से बे वसूली कर रहे हैं और ट्रैफिक वाले हमसे वो भी वसूली कर रहे हैं. तो हमने गाड़ी चलाना रोड पे क्या, घर को गाड़ी खड़ी करना, अब इसका फैसला अभी आया नहीं है. आज हमारे को ट्रैफिक वाले रोकते हैं और बोलते हैं कि 5,000 चालान, 500 का चालान, 200 का चालान 500 हो गया है, 500 का चालान 1,000 हो गया, 1,000 का 5,000 हो गया है. तो हमने गाड़ी चलाना, बच्चों बीबियों का पेट पालना कि इनका पेट पालना, ये तो अपने ड्यूटियों पे पेमेंट पे काम कर रहे हैं, हमने काय पे काम करना. अब हमने एक ही फैसला लिए, अगर ये ऐसा रहा तो हम हमारे गाड़ियों को यहाँ लाकर आग लगा देंगे. लेट पासिंग पे जो 50 रुपये प्रतिदिन का ऑटो चालकों पे और टैक्सी, ई रिक्शा और लोडिंग गाड़ियों पे जो रूल आया है, इस रूल से ये हद हो गई है कि ऑटो की कीमत 80,000 है और इस पर पेनल्टी 1,80,000 की आ रही है. उसी के लिए अब आए थे. उसी के साथ जो लोडिंग गाड़ियाँ रहती है, लोडिंग गाड़ियाँ जो अंडरलोड उनकी पासिंग रहती है 1200 किलो, 1.5 टन, वो अपने अंडरलोड 600-700 किलो भरते हैं. लेकिन फर्नीचर, ग्लास का सामान, कुछ लंबा सामान होने की वजह से पल्ले के इतना भी भार जाता है तो उनको 20,000 रुपये का जुर्माना दिया जा रहा है. उसी का आज हम लोग यहाँ पे निषेध करने आए थे और यहाँ हमने निवेदन दिया बीड़कर साहब को. और हमारी अपील है कि जो अवैध वसूली चालू है आरटीओ की जुर्माने के नाम पे, इसको जल्द से जल्द रोका जाए. और साहब ने हमको बोला है कि जो 50 रुपये वाला जो लेट पासिंग का इसका गवर्नमेंट में चल रहा है बात, ये ख़त्म होगा. वही हमारी बीड़कर साहब से ये निवेदन था और हमने कहा जो आपके लिमिट में है, जो यहाँ का आरटीओ, एमएच का, MH 31, MH 49, MH 40 की जो गाड़ियाँ है, ये आपके हाथ में, आपके ऑफिसर ये धमकी देते हैं कि यहाँ पे 20,000 रुपये भर, आरटीओ चलेंगे तो 35,000 लगेंगे. अब एक ऑटो वाला, एक लोडिंग गाड़ी वाला, वो 20,000 रुपये जुर्माना देंगे कि 20,000 किस देंगे कि घर का खाना पीना चलाएंगे कि पेट भरेगा.
और वही गाड़ी वाला जिसकी कीमत गाड़ी की 70-80 हज़ार हो गई है वो 1,80,000 पेनल्टी भरेगा। एक ई रिक्शे वाला जो हैंडीकैप भी ई रिक्शा चलाते हैं उन पर रोज़ के 50 रुपये की पेनल्टी लगा रही है। ये का कानून है? ये कानून का हम निषेध करते हैं। अगर से इन लोगों ने ये नियम रद्द नहीं किए, ये वापस नहीं लिए, तो हमारा जो ये आंदोलन है इसी तरीके से चलेगा और ये तीव्र आंदोलन की शक्ल में अब मोड़ लेंगे।